हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? आई होप कि गाइस आप सभी लोग ठीक हो। आज का गाइस जो रिव्यू होने वाला है बीएमएक्स बाइक को लेके, बीएमएक्स बाइक के ऊपर रिव्यू होने वाला है। काफी लोग का मुझे गाइस ऐसा मैसेज आता था कि बीएमएक्स बाइक के ऊपर रिव्यू करो, बीएमएक्स बाइक हमको खरीदना है, बीएमएक्स बाइक खरीदना है। तो मैं आज फाइनली सोचा कि बीएमएक्स बाइक के ऊपर मैं बताऊं। यहाँ पर पास में सरदार पाजी की शॉप है साइकिल की, उसमें हर एक टाइप की साइकिल मिलती है, बड़ी बाइक, छोटी बाइक, बीएमएक्स, छोटी बीएमएक्स, बड़ी साइकिल, ऑल टाइप की साइकिल मिलती है गाइस। तो मैंने सोचा कि आप लोग तक पहुंचाऊं, शायद बहुत कम कॉस्ट में मिलती है बीएमएक्स, इंडियन बीएमएक्स। ये जो मेरी बीएमएक्स है गाइस, ये ना इम्पोर्टेड बीएमएक्स है। इसको मैंने 2016 में लिया था, सेकेंड हैंड में लिया था 24,000 में। फिर उसके बाद में मैंने इसको असेंबल किया, असेंबल करके काफी सारे मैंने पार्ट्स डाला गाइस, जैसे कि पैडल्स, हैंडल्स, अलग अलग टायर्स, पीछे के पूरे सेटअप, ऐसे बहुत सारे मैंने पार्ट्स डाला इसमें। तो इसका पूरा टोटल कॉस्ट हो गया था गाइस बीएमएक्स का 1,10,000 ऐसा कुछ समथिंग हो गया था इसका कॉस्ट। तो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा ही कॉस्ट था, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसा जमा करके बाइक को बनाया था। और अभी तक मेरे पास ये बीएमएक्स टिकी है, सिर्फ इसमें पूरे पार्ट्स चेंज हो गए, और सिर्फ ये जो मेरा फ्रेम है ये फ्रेम ओल्ड है, और कुछ कुछ छोटे मोटे जैसे कि ये स्टैम है ये ओल्ड है, बाकी सब न्यू पार्ट्स डाल दिया गाइस मैं वक्त के साथ में, सिर्फ ये व्हील पूरी ओल्ड है। तो गाइस बिना देरी करे, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो गाइस प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना देरी करे गाइस हम लोग चलते हैं, बहुत मजा आने वाला है, एंड तक बने रहना गाइस, चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग इस वक्त है माहिम चर्च पे, ये माहिम का एरिया है, ये पीछे बाजू माहिम चर्च है वो तरफ, और यहाँ पर हमारी स्कूल है गाइस, मैं यहीं पर पढ़ाई करता था। तो चलो मेरे स्कूल के इधर चलते। तो गाइस ये आ गया है एसटी माइकल हाई स्कूल, मैं यहीं से अपनी पढ़ाई कंप्लीट किया हूँ गाइस, 8, 9, 10 तक मैं यहीं से पढ़ाई किया हूँ, और यही हमारा गेट था, यहीं से हम लोग जाते थे अंदर। यहाँ पर सेकेंड फ्लोर पे हमारी स्कूल थी, काफ़ी मज़ा आता था गाइस वो दौर, मतलब मैं क्या बता सकूँ आप लोग को, बहुत अच्छा दौर था। नाइट स्कूल पढ़ाई करता था मैं, नाइट में 6 to 9, 6 बजे से 9 बजे तक नाइट में हम लोग की पढ़ाई होती थी, बहुत मज़ा आता था। और यहाँ यहीं से यही रोड से थोड़ा आगे आएंगे तो सरदार पाजी की साइकिल की शॉप है, बहुत मज़ा आने वाला है, एंड तक बने रहना। और मैं आप लोग को गाइस यहाँ का पूरा एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सरदार यहाँ से पूरा सरदार पाजी का पूरा एड्रेस बता दूंगा, माहिम में किधर पे है, कौन से जगह पे शॉप है। तो बिना देरी करे गाइस चलते। सो गाइस अभी बस कुछ ही देर की दूरी है, बस 2 मिनट का रास्ता है, आने वाला है पाजी का शॉप। मेरा बनाने का ये वीडियो ये मकसद है गाइस, क्योंकि काफी लोगों का मुझे मैसेज आता था, डेली मैसेज आता था गाइस कि हम लोग को बीएमएक्स लेना है, बीएमएक्स लेना है, बीएमएक्स लेना है। अभी मैंने कुछ दिन पहले गया था साइकिल का ट्यूब लेने के लिए, तो मैंने तभी देखा था पाजी के पास 2-3 ऐसी बीएमएक्स थी, इंडियन बीएमएक्स, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, खुशी मिली थी कि चलो कम प्राइस में बीएमएक्स भी मिल रही है। तो मैं आप लोग को एकदम कम्फर्टेबल बताऊंगा गाइस कि आप लोग ले सकते हो एकदम आराम से, एकदम कम रेट में भी रहेगी बीएमएक्स, जो कि ये बीएमएक्स तो गाइस मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके लिया है। तो मैं इसके बारे में क्या ही बताओ गाइस, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था ये बीएमएक्स लेने के लिए, और आज भी मेरा साथ दे रही है, बस मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ ये बीएमएक्स से। और बस अभी चलते हैं गाइस। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, ये देखो गाइस ये है सरदार पाजी की शॉप, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, तो चलो चलते। और भाई कैसे हो
सो गाइस अभी चलते हैं अपन अंदर रिव्यू क्या करने के लिए। दो BMX बाइक हमने देखे, बहुत मजा आने वाला है, चलते। गाइस देख सकते हो ये बाइक फेडरल की बाइक है, काफी ज्यादा बहुत अच्छी बाइक लग रही है गाइस। देखने में लुक बहुत अच्छा है इसका और ये ज्यादा स्पोक वाली है। और उसके बाद में गाइस इसमें खासियत ये है कि बिगनर लेवल के लिए एकदम परफेक्ट साइज है गाइस। आप लोग का मैसेज आता था कि हम लोग को BMX लेना है, तो इससे ज्यादा अच्छी बिगनर लेवल पे और कोई ज्यादा बाइक मिल नहीं सकती है गाइस। यही एक ऑप्शन है कि आप लोग ये बाइक मतलब परचेस करके चला सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो बिगनर लेवल में। इसका ब्रेक भी देख सकते हो गाइस, फ्रंट ब्रेक है, बैक ब्रेक है और इसके बाद में इसमें अच्छा खासा मतलब इसका टायर भी बहुत अच्छा है गाइस, ताकि इसमें अच्छी एक ग्रिप मिल सकती है टायर में। उसके बाद में गाइस इसका चैन सेटअप भी बहुत अच्छा है, ये एक फेडरल की बाइक है। इसका वेट ज़्यादा वेट नहीं है गाइस का, मतलब 10 किलो रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक ये फेडरल की बाइक थी, एक और BMX है रोटर BMX, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे भाई। रोटर BMX अच्छा उधर है, ये हो गई गाइस फेडरल बाइक। और ये देखो गाइस, ये आप देख सकते हो ये है रोटर BMX। गाइस मैं सबसे पहले जब BMX की जर्नी स्टार्ट किया था तो मैं ये रोटर BMX से ही स्टार्ट किया था, मतलब इसी से मैं ट्रिक्स वगैरह करता था और इसी शॉप पे आता था बाजू में ट्यूब खरीदने के लिए सरदार पाजी के पास। और आप ये देख सकते हो गाइस, ये है रोटर BMX, इसके स्पोक्स कम स्पोक्स वाली है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बाइक है गाइस, एकदम लाइट वेट है ये, इससे दो गुना लाइट वेट है ये बाइक। और इसमें अपने हिसाब से हम सीट का सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन दिया है सीट का सेटअप नीचे। ये एकदम अपग्रेड मॉडल है, हमारे टाइम में ये ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सीट अपग्रेड के लिए दिया हुआ है, ताकि ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसका चैन सेटअप भी बहुत अच्छा है, टायर भी एकदम परफेक्ट है गाइस। इसमें एक ब्रेक दिया है ये फ्रंट और बैक, और इसमें एक बेल भी दिया है, एकदम अपग्रेड मॉडल है गाइस। जब मैं ये बाइक पे स्टंट करता था, प्रैक्टिस करता था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था गाइस। अपने हिसाब से आप लोग इसको असेंबल भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें कुछ पार्ट्स है तो जैसा आपको कुछ हैवी लग रहा है तो आप कुछ अलग से, यहाँ पर ही बाजू में शॉप है वहाँ से आप असेंबल भी कर सकते हो अलग से, अगर आपको प्रॉपर लेवल पे मतलब प्रैक्टिस करना है तो ये BMX है गाइस। और उसके बाद में अलग अलग इसमें सेटअप दिया है, ये भी BMX, बहुत दोनों BMX बहुत अच्छी है गाइस। ये दोनों एक प्रॉपर BMX है, इंडियन BMX, मतलब इसको प्रैक्टिस कर सकते हो इसके साथ में। और भी गाइस, चलो ये BMX थी, आप लोग को मैं आँख पर का ये पूरा दिखा दिया, यही एक BMX है, बहुत अच्छी है। इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है गाइस, बस थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट है ये थोड़ा हल्की हैवी है मगर स्ट्रांग है। इसका जो स्पोक्स है ना गाइस, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब ये बैंड व्हील आउट नहीं होगी जल्दी। और ये भी इसका भी व्हील बहुत स्ट्रांग है बट इसमें कम स्पोक्स है, तो ये उसके हिसाब से थोड़ा कम लाइट वेट है। तो ये एक BMX बाइक है गाइस, और भी बहुत सारी यहाँ पर बाइक है, आप लोग है ना गाइस इसको ऑर्डर भी कर सकते हो ऑनलाइन में। मैं पाजी का यहाँ का एड्रेस दे दूंगा, ईमेल आईडी दे दूंगा, कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा, तो उस पर आप कॉल करके भी यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। सो गाइस एक और बात है कि इसमें ना वारंटी पे भी है BMX, मतलब जैसे कि आप बाइक लेते हो आसपास कहीं रहते हो, जैसे कि दादर में या तो कहीं पर भी आसपास में रहते हो मुंबई में, तो आप यहीं पर सरदार पाजी की गैरेज है, साइकिल का सर्विसिंग सेंटर है, वहाँ पर आके आप सर्विस कर सकते हो इसको। महीने में मतलब 3 महीने में 4-5 बार सर्विसिंग फ्री है इसकी, मतलब एनी टाइम आके यहाँ पर जैसे कि कुछ स्पोक्स लूज हो गया है, चैन लूज हो गई है,
या तो फिर कुछ अलग अलग टाइप का प्रॉब्लम हो गया, या तो ब्रेक नहीं लग रहा है बराबर से, तो यहाँ पर आके सर्विसिंग करवा सकते हो गाइस। और भी बहुत सारी बाइक है गाइस, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे ये पूरी बाइक अलग अलग माउंटेन बाइक से, जैसा जिसको रेसिंग या तो जिसको जॉगिंग करना है तो उसमें ये सब कर सकते हैं, जॉगिंग वगैरह। और भी देखो अच्छी अच्छी गाइस यहाँ पे BMX, ये नॉर्मल बाइक्स है, माउंटेन बाइक्स, बहुत अलग अलग टाइप की गाइस बाइक्स लगी हुई है। देखो यहाँ पे पूरी लाइन से लगी है, रेसर बाइक भी है, रेंजर बाइक भी है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की गाइस बाइक है। इधर पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप की, ये पूरी घेर वाली बाइक है गाइस। तो मेरा तो कहना यही है कि गाइस ये जो बाइक है BMX, अगर आप प्रॉपर तरीके से मतलब राइडिंग करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये गाइस ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। अपने स्कोप की मिलती थी, बट हम लोग मतलब प्रैक्टिस के लेवल के हिसाब से फिर मैंने अपडेट हो गया गाइस। पहले मैं इसी स्पोक्स वाली चलाता था थॉमस बाइक, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा अपडेट करते फिर मेरे को फाइनली ऐसी बाइक मिली, रोटर BMX, फिर इससे मेरी जर्नी स्टार्ट किया। बहुत अच्छी गाइस बाइक है ये। आप लोग यहाँ पर इसमें पैक्स भी दिया है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, इसमें पैक्स है एक्स्ट्रा, 4 पैक्स है जो कि यहाँ पर लगते हैं साइड में, और इसके साथ भी गाइस दिया हुआ है 4 पैक्स। अभी इस पर देखो यहाँ पर ही है, ये 4 पैक्स दिया हुआ है, 2 पैडल दिए हैं इसके, और इसमें भी गाइस सेम ही है वैसा, 2-4 पैक्स दिया है, 2 पैडल्स दिया है। तो गाइस अभी चलते हैं हम लोग बाहर, भी मैं आप लोग को बता पाऊँ। तो गाइस चलते हैं अभी मैं और शॉप बताता हूँ आपको, आगे आ जाओ। ये देख सकते हो गाइस यहाँ पर ये सब अलग अलग टाइप की बच्चे लोग की साइकिल है, अंदर चलते हैं। ये रोटर BMX है गाइस, जो अभी हम लोग ने रिसेंट में इसका ये रिव्यू किए थे, ये वही BMX है। और भी काफ़ी सारी BMX है गाइस साइकिल है यहाँ पे, बच्चे लोग की भी है, घेर वाली साइकिल भी है, नॉर्मल वाली साइकिल भी है, काफ़ी सारी साइकिल है गाइस। आप लोग ज़रूर इधर पे आना, ये माहिम में है, माहिम में, इसका मैं तो पूरा एड्रेस दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और आज का यही रिव्यू था गाइस, मैं यहीं पर ये रिव्यू को एंड करता हूँ। आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक बार ज़रूर आना गाइस यहाँ पर, अलग अलग टाइप की BMX है और साइकिल है, नॉर्मल साइकिल है, माउंटेन बाइक से, हर एक टाइप की साइकिल है गाइस। तो आज का यही रिव्यू था गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।